अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं सरदार कमाल ते तुसी वेख रहे हो सरदार कमाल ऑफिशियल चैनल। अज मेरे नाल मेरे बचपन के दोस्त, मेरे भरा मेरे नाल मौजूद ने। बड़े दिनों तो मेरी कोशिश सी, मैं उन्होंने लभ रहा सा। ये तकरीबन फनकार हो के मेरे को इश्तहारी हुए सन, अज मैं मिल गए ने। ये पहले जोड़ी च गाते सन। मैं इतने एक गल याद आ गई कि किसी ने सवाल किया कि वड्डे घर छोटे किवें होंदे। तो उन्होंने अगों फरमाया कि जो घर के छोटे वड्डे फैसले कर लग पैन तो घर छोटे हो जाते। ये दो भरा जवेद ते परवेज ये मिलके गाते सन, हुण कल्ला कल्ला गाण लग पे ने। लेकिन अल्लाह ने इतफाक कायम रखे और इन मुहब्बत कायम रहे, इस तरह एक दूजे नाल जुड़ के रहन। तो अज मेरे नाल जवेद खान साहब मौजूद ने। अस्सलाम वालेकुम जवेद साहब। वालेकुम। चाल दी नहर दे बल्कि माई दी झुग्गी दे विछड़े असीं अज मिले हैं जी। माई दी झुग्गी किड्डा जरखेज़ इलाका जी, है जी, पूरी दुनिया से पहचाना जाता। अमरीका तक लोगों को पता कि माई दी झुग्गी साढ़े फैसलाबाद से अली हजवेरी टाउन, मेरे ख्याल उन्होंने नाँ रख दिया गया हजवेरी टाउन का नाँ रख दिया गया। ठीक है जी। तो माई दी झुग्गी बड़े बड़े फनकार हसन सादिक साहब, नज़ाकत अली साहब, जवेद परवेज, तुसी खुद दो भरा, ठीक है जी, फिर इकबाल साहब ससी वाले पा इकबाल साहब, ठीक है जी, वो भी उतों माई दी झुग्गी तो है। तुहाडा सफर भी माई दी झुग्गी तो ही स्टार्ट होया। बिल्कुल। अच्छा जी, तो तुहाडे उस्ताद तुहाडे वालिद साहब सन या तुहाडे उस्ताद कोई होर ने? मेरे उस्ताद मेरे वालिद साहब ने। अच्छा। नहीं, उन्होंने तो ज्यादा ले। अच्छा जी। वैसे मेरे उस्ताद सादिक अली खान कोटा टीवी स्टेशन ते। अच्छा जी। क्लासिकल लोग सी उथे म्यूजिक डायरेक्टर सन, वो म्यूजिक दा सारा सिलसिला उन्होंने उन्होंने ही सी, यानी कि कोटा टीवी ते। हां जी। अच्छा जी, उस्ताद सादिक अली खान साहब दे तुसी शागिर्द हो। हां जी। ते खास मैं तुम उदो ही अर्ज कर रहा यार, क्लासीकल छड़ दे तेरी मेहरबानी। अच्छा। तुम क्या दुनिया छड़ देनी, क्लासीकल नहीं छड़ना। तो हूँ कोई फर्क पिया देखिए दुनिया में कि कल तक बच्चा आंदा जिन्हों को जानता नहीं, ना वो रियाजत है, ना उन्हें किसी को उस्ताद को सीखे, वो चंगे भले पैसे लै रहा है। ठीक है जी। तो तुम यही कभी लगा कि यार असी इन्नी मेहनत की है तो सू भी इस तरह होना चाहिए कि असं भी अपना नाम ही होंगे पैसे भी होंगे। तो हूँ तुम कोई थोड़ा जहा इरादा चेंज किया? बिल्कुल। अच्छा जी। बिल्कुल। हूँ तुम दुनियादार हो गए हो? अच्छा जी। दुनियादार होना चाहिए। देखो वो कम तो अल्लाह हर आर्टिस्ट दुनिया के नाल होना चाहिए ना। ये हूँ मन्ने हो तुसी? नहीं, उदो भी मनते सर, अपना काम एक अपना ही होंगे। उदो दिलों नहीं मनते, हूँ तुम मन लिया कि यार ये दुनिया के नाल चलना चाहिए। एवं गुड्डी वांगू अज मैं सजना उड़ाई जाओ, ये भी कही जाओ, ढोल वजते भी कही जाओ, जो तरह दिल करता कही जाओ, लोग सुन ली बैठे ने। क्लासीकल सुनने वाले कोई चंद लोग इस मुल्क से है ने जो सुनना चाहते हैं। तो वो अल्लाह करे उन्होंने तुहाडी शनाख्त होवे, पहचान होवे, ते तुसी उनको अपनी उदो ही तुसी उस दौर च अपनी तरज़ा बनाते सो। तो अज कोई अपनी जिहड़ी बनाई हुई तरज़ वो तो सुनाओ जी। गमरेंदा
ਵਿਛੜੇ ਨਾ ਮਰ ਜਾ ਮੁੱਲ ਵਿਕਦਾ ਕਲਾਕ ਹੋਵੇ ਮੁੱਲ ਵਿਕਦਾ ਮੁਕਾ ਛੱਡਦਾ ਬੰਦਾ ਕਿੰਨਾ ਵਿੱਚ ਲਾਕ ਹੋਵੇ ਹਾਏ 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 ਗੋਰੀ ਵੀਣ ਤੇ ਕਾਲੀਏ ਵੰਗ ਮਾਇਆ ਗੋਰੀ ਵੀਣ ਤੇ ਕਾਲੀਏ ਵੰਗ ਮਾਇਆ ਆ ਤੋੜਦਾ ਕਰੀਏ ਸੰਗ ਮਾਇਆ ਆ ਤੋੜਦਾ ਕਰੀਏ ਗੋਰੀ ਵੀਣ ਤੇ ਗਾਲੀਏ ਵੰਗ ਮਾਇਆ ਗੋਰੀ ਵੀਣ ਤੇ ਗਾਲੀਏ ਵੰਗ ਗੱਲਾਂ ਤੇਰੇ ਵੱਲ ਕਰਨੀਆਂ ਸੱਚੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੇਰੇ ਵੱਲ ਕਰਨੀਆਂ ਸੱਚੀਆਂ ਨੱਚੇ ਖੁਸ਼ੀ ਵਿੱਚ ਮੇਰਾ ਅੰਗ ਅੰਗ ਮਾਇਆ ਨੱਚੇ ਖੁਸ਼ੀ ਵਿੱਚ ਮੇਰਾ ਅੰਗ ਅੰਗ ਮਾਇਆ ਆ ਤੋੜਦਾ ਕਰੀਏ ਸੰਗ ਮਾਇਆ ਆ ਤੋੜਦਾ ਕਰੀਏ ਪਤੰਗ ਮਾਇਆ ਮੇਰਾ ਡੋਲਦੀ ਮੈਂ ਜਿਵੇਂ ਪਤੰਗ ਮਾਇਆ ਆ ਤੋੜਦਾ ਕਰੀਏ ਸੰਗ ਮਾਇਆ ਆ ਤੋੜਦਾ ਕਰੀਏ ਸੰਗ ਮਾਇਆ ਗੋਰੀ ਵੀਣ ਤੇ ਗਾਲੀਏ ਵੰਗ ਮਾਇਆ ਆ ਤੋੜਦਾ ਕਰੀਏ ਸੰਗ ਮਾਇਆ ਆ ਤੋੜਦਾ ਕਰੀਏ ਸੰਗ ਮਾਇਆ ਚੰਨਾ ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ ਕਰੀਤ ਬਾਰ ਵੇ ਚੰਨਾ ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ ਕਰੀਤ ਬਾਰ ਵੇ ਕਰ ਛੱਡ ਆਈ ਸਾਨੂੰ ਤੂੰ ਮਲੰਗ ਮਾਇਆ ਕਰ ਛੱਡ ਆਈ ਸਾਨੂੰ ਤੂੰ ਮਲੰਗ ਮਾਇਆ ਤੋੜਦਾ ਕਰੀਏ ਸੰਗ ਮਾਇਆ ਤੋੜਦਾ ਕਰੀਏ ਸੰਗ ਮਾਇਆ ਗੋਰੀ ਵੀਣ ਤੇ ਗਾਲੀਏ ਵੰਗ ਵੈਰੀ ਦੁਸ਼ਮਣ ਵਾਣ ਪਾਵੇ ਲੱਖ ਵੇ ਵੈਰੀ ਦੁਸ਼ਮਣ ਵਾਣ ਪਾਵੇ ਲੱਖ ਵੇ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੀ ਮੈਥੋਂ ਤੈਨੂੰ ਬਖ ਵੇ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੀ ਮੈਥੋਂ ਤੈਨੂੰ ਬਖ ਵੇ ਸਾਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਤੇ ਹੋਣ ਪਾਵੇ ਦੰਗ ਮਾਇਆ ਸਾਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਤੇ ਹੋਣ ਪਾਵੇ ਦੰਗ ਮਾਇਆ ਤੋੜਦਾ ਕਰੀਏ ਸੰਗ ਮਾਇਆ ਤੋੜਦਾ
अच्छा जवेद साहब मैं याद है कि उदो साडे फैसलाबाद कोई एडा रवाज नहीं सी अकैडमी का जी तुसीं उदो अकैडमी बनाई सी तो फिर मेरे ख्याल कोई कामयाब नहीं हो सकी सी उदो तो हुण तुसीं कोई बढ़ाई अकैडमी इस वेले कोई म्यूजिक दे रहे हो तालीम दे रहे हो किसी नूं हाँ तालीम जिहड़ा कोई आ रहे नहीं कोई शागिर्द इस वेले तुहाडे है ने किन्ने स्टूडेंट ने तुहाडे बस चंद स्टूडेंट थे अच्छा नहीं मतलब कोई 15-20 है ने हाँ 15-20 है ने अदब ना मिलता जी बेअदबा मकसूद ठीक है जी अच्छा पहले दोवे भरा इकट्ठा गाते कभी तुहानू छोटे की कमी महसूस हुई नहीं कमी कमी तो उस बंदे नूं हुंदी है ना कि जिहदे विच अपने विच कमी होवे कोई नहीं नहीं आप महसूस करे बंदा नहीं उह तो कोई शक नहीं सी कि ना तुहाडे च कोई कमी सी ते ना उहदे च कोई कमी सी प्रवेश च बाकी ठीक है जी हुंदा ना कदी बंदे दे दिल च आ जांदा कि मैं बाज भरावां मारिया मेरी नहीं नहीं उह नहीं भरावां दा नहीं मारिया हुंदा बंदा भरा मारदे नहीं नहीं मैं उही कह रहा भरा नहीं मार दिंदे ते नहीं कदी हुंदा ना कि वी यार अस इकट्ठे गाने सी ते बड़ा अच्छा लगदा सी देखण वालेयां नूं अच्छा लगदा सी हां हां बिल्कुल सही सुणन वालेयां नूं अच्छा लगदा सी उह अपना अपना अंदाज है ना अच्छा जी नहीं कुछ नहीं वक्त के नाल नाल जदों बच्चे बड़े हो जाते हैं फिर थोड़े थोड़े फैसले करने पड़ते हैं थोड़ा बंदा दूर होता होता हाँ जी तुसी मैनूं बड़ी बड़ी बेहतरीन पंजाबी तुहाडी हुंदी सी बड़ी बड़ी सुन के भी तुहाडी अपनी तरह से एक मिठी जी पंजाबी जिहड़ी कोई सोहणी जी पंजाबी जिहड़ी कोई तोहफा ही दिओ सानूं अज हाँ जी
ਮੈਨੂੰ ਰਾਸ ਪਿਆਰ ਨਾ ਆਇਆ ਮੈਨੂੰ ਰਾਸ ਪਿਆਰ ਨਾ ਆਇਆ ਜੇ ਨੂੰ ਮੈਨੂੰ ਰਾਜ ਬਣਾਇਆ ਉਹ ਵੀ ਟੁੱਟ ਗਿਆ ਹਰ ਕੋਈ ਲੜਦਾ ਤੇਰੀ ਉਜੜਿਆ ਨਾਲ ਲੜਾਈ ਕਰ ਕੁਝ ਹੋਸ਼ ਅਕਲ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾ ਤੈਨੂੰ ਅਜੇ ਵੀ ਗੱਲ ਸਮਝ ਆਈ ਗੌਰ ਵੀ ਇਸ ਦੁੱਖ ਦੀ ਹਾਏ ਇਸ ਦੁੱਖ ਦੀ ਲੱਭੇ ਨਾ ਦਵਾਈ ਕੋਈ ਜਾਣੇ ਨਾ ਪੀੜ ਪਦਾਈ ਕੋਈ ਜਾਣੇ ਨਾ ਮਾਰ ਸੁੱਟ ਦੀਏ ਹਾਏ ਮਾਰ ਸੁੱਟ ਦੀਏ ਸਜਣਾ ਜੁਦਾਈ ਕੋਈ ਜੀ ਵਾਹ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਵਾਕਈ ਕੋਈ ਜਾਣੇ ਨਾ ਪੀੜ ਪਰਾਈ ਅੱਛਾ ਜੀ ਬੱਚੇ ਕਿੰਨੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮਾਸ਼ਾ ਬੇਟੇ ਤਿੰਨ ਅਤੇ ਉਹ ਕੋਈ ਇਸ ਪਾਸੇ ਆਇਆ ਅੱਛਾ ਜੀ ਨਹੀਂ ਮਤਲਬ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਕਲਾਸੀਕਲ ਤਿੰਨ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੁਸੱਲਤ ਕਰਦੀ ਕਿ ਬੇਟਾ ਜੋ ਮੈਂ ਕਲਾਸੀਕਲ ਵੈਸੇ ਰਿਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਅੱਛਾ ਬਾਕੀ ਮੋਟਰ ਸਕੋਟ ਗਾ ਰਹੇ ਨੇ ਕੀ ਨਾਂ ਨੇ ਬੇਟਿਆਂ ਦੇ ਗੁਲਾਮ ਅਬਾਸ ਅੱਛਾ ਜੀ ਨਈਮ ਅਬਾਸ ਨਈਮ ਅਬਾਸ ਚਮਨ ਅਬਾਸ ਚਮਨ ਅਬਾਸ ਅੱਛਾ ਜੀ ਅੱਲਾਹ ਤੁਹਾਡਾ ਚਮਨ ਵੀ ਆਬਾਦ ਰੱਖੇ ਤੁਹਾਡਾ ਆਵਾਸ ਵੀ ਸਾਰਾ ਤੁਸੀਂ ਆਵਾਜ਼ ਸ਼ਾਦ ਰਹੋ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਜੇ ਜਵੇਦ ਖਾਸਾ ਸਨ ਬੜੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋਈ ਹੈ ਅੱਲਾ ਨੂੰ ਸਲਾਮਤ ਰੱਖੀ ਮੇਰੇ ਬੜੇ ਪਿਆਰੇ ਦੋਸਤ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਮਸ਼ਹੂਰ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਵਕਤ ਦਿੱਤਾ ਜੀ ਹੁਣ ਜਵੇਦ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਔਰ ਸਰਦਾਰ ਅਕਮਲ ਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿਓ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਫਿਰ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋਏਗੀ ਅੱਲਾ ਹਾਫਿਜ਼।